हाय फ्रेंड्स, एहतसाम के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगेगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए, मैंने ये सब्जी कैसे बनाया है ये बताती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने एक गोभी लिया है और गोभी को हमने अच्छी तरह से कट करके इसे हल्का सा बॉईल कर दिया था। इसके बाद हमें इस गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें हमें डाल देना है हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, ठीक है, और नमक, ताकि इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से हमें ये सब डाल करके इसे गोभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने गोभी की सब्जी तो बनाई होगी, पर आप इस तरह से बना के देखेंगे काफ़ी टेस्ट होता है। देखिए, मेरा गोभी बिल्कुल फ्राई हो चुका है, मैं उसे निकाल दे रही हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें फिर से ऑयल डालना है। फ्रेंड्स, और ऑयल डालने के बाद हमें अब आलू फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने गोभी फ्राई किया था उसी तरह से हमें आलू भी फ्राई कर देना है। ओके, देखिए इसमें भी हमें उसी तरह से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और क्या धनिया पाउडर, ये सारे सब कुछ, नमक वगैरह डाल करके हमें अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है आलू को। इस तरह से हम फ्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, इसी वजह से आप जीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर भी मैं दे दी हूँ, आप भी दे सकते हैं। ये सारे को देने के बाद आप इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर दें तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने आलू को निकाल लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, हमें कढ़ाई को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हमने ऑयल डाला है फ्रेंड्स। ऑयल डालने के बाद हमने डाला है इसमें पंचफोरन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पंचफोरन डाला है। उसके बाद मैंने एक प्याज कट करके रखा था, बिल्कुल अच्छी तरह से उसे हमने डाल दिया है। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैंने आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसे डाल दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने थोड़ा वाटर ऐड करके उसे अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर दिया है हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर दिया है और एक टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर दिया है, और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने गोभी और आलू में भी फ्राई करने के टाइम डाल दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने दो टमाटर लिया है और इस टमाटर को भी हमें अच्छी तरह से मसाले में भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस तरह से बनाएंगे, आपका सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल होटल जैसा, और शादियों में जाते हैं ना वैसी सब्जी बनेगी बिल्कुल, आप देखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मसाला भुना चुका था तो मैंने इसमें गोभी और आलू को फ्राई करके रखा था, उसे भी अच्छी तरह से हम इस मसाले में भून लेना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। इसके बाद मैंने थोड़ा वाटर ऐड कर दिया है। वाटर ऐड करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए हमने छोड़ दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तकरीबन ये सब्जी हो चुका है, पक गया है। अब मैंने इसमें कुछ अलग यूनिक दी है, अंडा, अंडा डाल देना है हमें फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से अंडा डालने के बाद हमने फिर धनिया पत्ता डाल दिया है, आप अंडा स्कीप कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है। उसके बाद इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें चला लेना है थोड़ा सा वाटर डाल करके। उसके बाद हमें इसमें डालना है जीरा, और जीरा पाउडर, भुनी हुई जीरा पाउडर डाला है, और भुना हुआ ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और इसमें थोड़ा हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है सब्जी। कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब